हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट डॉक्टर। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जा रहा था, सॉरी फॉर डिले इन द वीडियो, तो काफ़ी थोड़ा बिजी चल रहा था। तो अब मैं बना रहा हूँ कि कैसे ड्रोन को इम्पोर्ट करना है नए रूल्स के हिसाब से। तो बेसिकली अब जो है ना, ये जो नए रूल्स आए, इसे हम कहें प्रमोशन के लिए किया जाए, लेकिन जो ड्रोन इम्पोर्ट को लेकर कुछ उन्होंने कंडीशन अभी भी रखी हुई हैं। तो कैसे ऑफिशियली आप ड्रोन इंपोर्ट कर सकते हैं और कौन से ड्रोन एग्जम्प्ट हैं इन सब से, जो भी प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो ड्रोन इंपोर्ट कैसे करना है, हाउ टू इंपोर्ट अ ड्रोन जो बाहर का है, बाहर मैन्युफैक्चर हुआ है इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। एंड अगर अभी तक आपने आप स्टॉक्स को ज्वाइन नहीं किया फ्री में इनकम कमाने के लिए, तो प्लीज ज्वाइन कर ले। मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है अपना, तो आप करेंगे तो आपका लिंक बनेगा, इससे आप 800 रुपए तक पर बंदा कमा सकते हैं। तो फायदा उठाएं अपॉर्चुनिटी का। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, अगर आप ड्रोन इम्पोर्ट करना चाहते हैं एंड नई रेगुलेशन के हिसाब से क्या क्या आपको करना पड़ेगा, जरूर स्टेप्स कम कर देंगे, लेकिन कुछ चीजें अभी भी उन्होंने मैंडेटरी रखी हैं। तो सबसे पहले तो आपको भरना पड़ेगा अपना फॉर्म नंबर D1। जी हाँ, फॉर्म नंबर D1 आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ऑनलाइन प्रोटोकॉल है, वहां पे जाके आपने भरना। उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको अपना GST नंबर देना पड़ेगा, जो भी इंपोर्ट करवाएगा, जो भी बिजनेसमैन है, ये शॉप करना चाहता है, तो उसको GST नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी प्रोटोटाइप ड्रोन है या जो ड्रोन ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे DJI का ड्रोन आपने इंपोर्ट करना है, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी कि ये मॉडल है, ये इसकी रेंज है, ये सब कुछ ये कर सकता है, इतना ऊपर जा सकता है, इतना इसका वेट है, इतने कैटेगरी का है। तो पहला हो गया आपका नेम, GST सारे डिटेल्स, बिजनेस की डिटेल्स, दूसरा ड्रोन की सारी डिटेल्स। उसके बाद आपको कुछ फीस भरनी पड़ेगी, वो अभी मेंशन नहीं की है, वो लेटर ऑन जैसे आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो कुछ रिकमेंडेड फीस है, ये सब क्या है, ये प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन है कि ड्रोन इंपोर्ट करने से पहले आपको ये फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा ऑनलाइन, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, अ सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस, ये लेने के लिए आपको ये अप्लाई करना पड़ा। जो भी ड्रोन का इंपोर्टर है, जो भी आपने ड्रोन इंपोर्ट करना है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस आपके पास होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में, इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस है, जो कि इशू किया जाएगा क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जब आप ये फॉर्म भर देंगे पूरा, और ये रिकमेंड करेगा कि जो आप ड्रोन इंपोर्ट करने वाले हैं वो इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब को फॉलो करता है, ठीक है। वो कौन कौन सी है मेन, इसमें मेन इनमें रखी हुई है NPNT वाला जो फंडा, कि नो परमिशन नो टेक ऑफ वाला सिस्टम इसमें होना चाहिए, और इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से जो उन्होंने ग्रीन जोन रेड जोन ये सब उसमें फीड होने चाहिए, और उसके हिसाब से सारा ड्रोन सेटअप होना चाहिए या डिज़ाइन होना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी। तो ये चीज़ अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस, तब आप वो ड्रोन को इंपोर्ट कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट की कॉपी लगा कर। और ये मिलेगा कैसे, ये मिलेगा फॉर्म नंबर D1 भरने के ऊपर, जो ऑनलाइन अवेलेबल है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ से आप भरेंगे अपने आप ऑटोमेटिकली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। आपको फीस का प्रूफ बताना है, आपको डिटेल बतानी है अपने बिजनेस की, उसके बाद ड्रोन कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। और इसके अलावा कोई नया ड्रोन अगर आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं सपोज, या कुछ असेंबल करते हैं ड्रोन, एक फर्म है, एक स्टार्टअप है, तो वो भी अपना सारा इस तरह सिस्टम सारा भर देंगे, अपनी बिजनेस डिटेल्स, कैसा ड्रोन उन्होंने असेंबल किया, फिर उसके बाद वो जो ड्रोन है प्रोटोटाइप जो आपने बनाया है कि ये वाले के लिए हमें एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो ड्रोन आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू दिस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो होने के बाद, सारा जांच करने के बाद, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस दे दिया जाएगा। ये एकमात्र डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप ड्रोन इंपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो DJI का ड्रोन है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी बाहर का ड्रोन है, इंडियन आपने असेंबल किया है, अगर आपने उसको मार्केट में उतारना है तो बाहर का ड्रोन तो इंपोर्ट करेंगे फिर अभी अपने मार्केट में, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस चाहिए ही चाहिए, हर एक मॉडल का अलग होगा, ठीक है। अब इसमें एग्जम्पशन किसको है, एग्जम्पशन नैनो ड्रोन्स, ये एक बहुत बड़ी
गुड न्यूज मैं कहूंगा, क्योंकि नैनो वाले बहुत कस्टमर्स हैं इंडिया में। नैनो ड्रोन में हमारे पास मिनी आ जाता है, तो इसके हिसाब से आप मिनी को बिना किसी प्रॉब्लम के, जैसे ये वाले रूल्स के, नए रूल्स के हिसाब से आप मिनी को इम्पोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिनी के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आपको पता है कि वो 15 मीटर के ऊपर नहीं जा सकता, ये सारा कुछ, और 149 ग्राम से नीचे कोई भी ड्रोन है जो नैनो कैटेगरी में आता होगा उसके लिए देर इज नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्थीनेस। तो अगर ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। जो इम्पोर्ट का नॉर्मल प्रोसीजर होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, वो इस मतलब वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे इंपोर्ट करते हैं सामान। तो वो बेसिकली आप कहीं भी ऑनलाइन सर्च करें, आपको पता लग जाएगा। तो मतलब नॉर्मल प्रोसेस होगी, सिर्फ तामझाम जो ज़्यादा है वो हैवियर ड्रोन्स के लिए। तो होप आपको पता लग गया होगा। इसके अलावा फिर भी कोई आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अब मैं नेक्स्ट एक दो दिन में Q&A डे करने वाला हूँ, तो जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं नई रेगुलेशंस को लेके, तो प्लीज़ राइट हेयर बिलो द कमेंट्स, और आप बताएं कितना इजी हो गया है अब ये प्रोसेस आपके हिसाब से। इजी हुआ भी है या कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, तो आपको ज़रूर लिखना है और अपनी राय बताएं, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग आर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, कीप रॉकिंग।